हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। उन्नाव के बांगरमऊ में 12 मई की शाम पेपरमेंट व्यापारी सतीश गुप्ता की गोली मारकर की गई हत्या की गुत्थी को आज उन्नाव पुलिस ने सुलझा लिया। उन्नाव पुलिस ने व्यापारी की हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक युवक सतीश गुप्ता का बेहद करीबी था। इसी युवक ने लूट की सारी साजिश रची थी। उन्नाव जिले के एसपी आनंद कुलकर्णी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बांगरमऊ में 12 मई को हुई व्यापारी सतीश गुप्ता की हत्या की गुत्थी के सारे सार सुलझा कर रख दिए। उन्नाव पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर रामपुरवा रोड से बांगरमऊ के दुबियाना कस्बा के रहने वाले 24 साल के कीर्तिमान गुप्ता, न्यू कटरा के रहने वाले 24 साल के विक्की सोनी और फतेहपुर 84 के थाना परशुराम के रहने वाले 25 साल के अक्षय सिंह उर्फ रोहित सिंह को गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ करने पर इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तीनों ने बताया कि इस पूरी साजिश को रचने वाला कीर्तिमान गुप्ता है। कीर्तिमान गुप्ता की सतीश गुप्ता से अच्छी बातचीत थी। कीर्तिमान गुप्ता जानता था कि सतीश गुप्ता का ज्यादातर व्यापार कैश में होता, लिहाजा हर वक्त उनके पास कैश रहता। इसी वजह से कीर्तिमान गुप्ता ने लूट का प्लान बनाया। 12 मई की शाम 6 बजे करीब मरापुर में बजरंग ट्रेडर्स ऑफिस में जैसे ही सतीश गुप्ता आए, तीनों ने उन्हें पकड़ लिया। उनकी जेब में रखे 12,000 रुपए लूट लिए। इस दौरान सतीश गुप्ता ने तीनों को पहचान लिया। पहचान हो जाने की वजह से कीर्तिमान गुप्ता ने सतीश गुप्ता के सिर पर तमंचे से गोली मार दी, जिससे मौके पर ही सतीश गुप्ता की मौत हो गई। इसके बाद तीनों ने रुपए आधे आधे बांट लिए और वहां से चले गए। और इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कीर्तिमान गुप्ता, विक्की सोनी और अक्षय उर्फ रोहित सिंह। ये तीनों लोग बांगरमऊ क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इसमें से अक्षय फतेहपुर 84 का रहने वाला और शेष बांगरमऊ क्षेत्र के रहने वाले। इनके द्वारा शाम के समय पे 5:15 के बीच वहाँ पे मौके पे इसके द्वारा गए हैं। इनके द्वारा पहले से लूट की योजना बनाई गई थी। मौके पे जाते ही उसके द्वारा गोली मार के उनकी हत्या की गई और उसके बाद मौके पे जो भी पैसा और उनका सामान मिला वो लेके वो वहाँ से मौके से फरार हो गए। जो अभियुक्त है उनके कब्जे से एक तमंचा बरामद हुआ है, जो घटना में प्रयुक्त हुआ है। लूट के उद्देश्य से उनके द्वारा प्लान करके जो है पहले से, क्योंकि ये एक होलसेल के व्यापारी थे, इनके पास पता था कि ये कैश रहता है और इसमें से कीर्तिमान गुप्ता जो है उनसे भली भांति परिचित था। उसके पास उनका जो मुख्य आरोपी भी है उनसे परिचित था और उनके पास उसका आना जाना था व्यापार के, ये भी इसकी भी छोटी दुकान है तो व्यापार के सिलसिले में उसका हमेशा आना जाना रहता था। उसको पता रहता था कि उनके पास कैश रहता है और इसी पर्पज से लूट के उद्देश्य से इनके द्वारा ये योजना प्लान बनाई थी। पुलिस ने इनके पास से हत्या में प्रयोग किया गया तमंचा और सतीश गुप्ता के पर्स बरामद कर लिए। संवाददाता अनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट, उन्नाव यू न्यूज। भैया जिसका इसका होता जो पीछे।